बस अब एक दो बोल्ट उधर हो जाएंगे, दो बोल्ट इसके वाले पे, दो बोल्ट इस पे, 5-6 बोल्टों का काम है, इतना बड़ा काम नहीं होता। हे गाइस, दिस इज कैरिंग सिद्धांत, होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और यार आज मैं कोई रिव्यू वगैरह फिर से नहीं दिखाने वाला, आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि गाड़ी में जैसे हिलावट उलावट आती है तो वो कैसे सही होगी। मेरे साथ हैं परवेज भाई, और यार अभी हमने मारुति के वो लिए हैं, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस बुश। यार गाड़ी में अगर कभी कभी ऐसा होता है जब हमारी ना व्हील बैलेंसिंग, हम कहते हैं हमने बैलेंसिंग तो अभी कराई है लेकिन फिर भी गाड़ी हमारी सीधी नहीं चल रही, तो यार बहुत बार कराने के बावजूद भी एक चीज़ पकड़ी, जो बैलेंस अपने बुश होते हैं वो ना घिस चुके हैं। अब यार भैया ये बताओ तो उससे अपनी क्या क्या फ़ायदे होंगे उस वाले बुश के? उससे बैलेंस शॉर्ट के बुशों से ये है कि जैसे अपना गाड़ी के झटका लेती है गाड़ी उठाने पर, वो झटका खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो जैसे क्या बोलते हैं बबलिंग सी आती है गाड़ी में, बबलिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये है। तो मतलब कितने दिनों में ये बुश घिस जाते होंगे? ये तो जैसे गड्ढे वगैरह में ज्यादा चलती है गाड़ी तो जल्दी घिस जाते हैं, 40-50 हज़ार में। अच्छा, 40-50 40 के आसपास कट जाते हैं, लेकिन अगर गड्ढों में नहीं चलती है गाड़ी तो फिर ये जो है कम से कम 50-50, 60-70 चल जाते चल जाते हैं। मतलब ये है कि जब अगर आप एक तरीके से कह सकते हैं अगर गाड़ी को नया रखना है तो जब भी आप 30-40 हज़ार अपने टायर चेंज कराएं तो इन्हें भी चेंज करा लो। अब 185 रुपए के यार ऑल्टो के मिले हैं, मैं मानता हूँ ज्यादा से बड़ी गाड़ी के भी ना सस्ते मिल जाएंगे, इतने महंगे नहीं मिलेंगे मारुति का पार्ट तो वैसे। हाँ, और वैसे भी किसी गाड़ी के। तो यार अब आगे आपको दिखाते हैं सारी प्रोसेस, कहाँ से चेंज होगा क्या होगा, ठीक है? तो स्टेडियम ये वाली बैलेंस रॉड है, ये वाली जब वो घिस चुके हैं वो गिर भी रही है, ये गिर रही है, आप देख सकते हैं ये गिर रही है। मतलब पूरी जो हमारे लोहा से लोहा जो मिला रहता है वो एक उसके बीच में रबड़ रहती है, एक तरीके से हिंदी भाषा में हम ये कह सकते हैं। तो यार अभी धीरे धीरे करके खोल रहे हैं सारी चीजें, और ज्यादा देर भी नहीं लगती इस काम में। दो बंदे लगाओगे तो देर नहीं लगेगी, नहीं तो एक बंदा लगता तो आधा पौन घंटा, आधा पौन घंटा, एक घंटा, क्या बड़ी बात है। अब ये आ गई है हमारी। अच्छा, ये कट गई है पूरी, नए वाले कहाँ हैं? अच्छा अच्छा, ये है बैलेंस रॉड जो पूरी स्टेयरिंग को इधर उधर करती है हमारे। और ये भाई ये पुरानी वाली रबड़, क्या हालत हो गई है, मुझे लग रहा है जब से गाड़ी ली है जब से ये चेंज ही नहीं हुई। तो यार ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पूरी गाड़ी की धमक इनके हाथों में ही होती है। भाई ये आ गया अपना नया डिब्बा, यार कंपेयर करते हैं नई वर्सेस ओल्ड को। तो भाई ये देखो अब आप, भाई क्या थी ये, कितना मोटा है ये वाला पार्ट, देखो आप कितना मोटा है और ये कैसी हो गई। तो बस यही चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो मेजर डिफरेंसेस कर देती हैं गाड़ी के हिलने हिलने में। भाई स्टेयरिंग का पूरा अपना जितने भी बैलेंसिंग होती है, अलाइनमेंट होता है, भाई सब कुछ इसके कंट्रोल हाथों में ही होता है। बस अब एक दो बोल्ट उधर हो जाएंगे, दो बोल्ट इसके वाले पे, दो बोल्ट इस पे, 5-6 बोल्टों का काम है, इतना बड़ा काम नहीं होता। तो वेल यार गाड़ी हो चुकी है अपनी ठीक, और अब निकल चुके हैं थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव के लिए। तो गाड़ी यार बिल्कुल सही चल रही है, सीधी चल रही है। पहले क्या हो रहा था, 60-70 रुपये जाके ना, और ये मेरी गाड़ी के साथ नहीं, अधिकतर हर गाड़ी के साथ होता है कि हम सोचते हैं कि यार अलाइनमेंट होना है, अलाइनमेंट होना है, लेकिन यार अलाइनमेंट या बैलेंसिंग से वो चीज़ नहीं होती। बैलेंसिंग का जो पता चलता है वो हमें पता चलता है 80-90 पे जाके, जब गाड़ी के टायर ऐसे ऐसे होने लगते हैं, छोटी मोटी स्पीड पे वो पता नहीं चलता अगर ज़्यादा बैलेंसिंग ना हो तो। अब होता क्या है भाई, मेरे साथ ये सारी दिक्कत नहीं थी, मेरे साथ थी अलाइनमेंट की दिक्कत। मैं कह रहा था यार मेरी गाड़ी हमेशा टेढ़ी जा रही है। एक को दिखाया भाई बंदे ने, ये बोला कि 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा, वही लुल बनाने की वाली सी बनाने वाली चीज़ें बताई उसने। लेकिन भाई मैं अपने वाले गैराज पे गया जो उस पर मैं काम कराता हूँ, तो भाई उन्होंने भैया ने बताया कि इसमें कुछ भी नहीं है, 185 रुपये की वो आएंगी, क्या नाम है उसके, अभी जो बोला था बुश, उसकी बैलेंस रॉड की बुश वगैरह आएंगी, और भाई उससे गाड़ी आपकी जो टायर क्या होता है उससे ना वो कट चुकी हैं, तो टायर आगे पीछे हो रहे हैं झटकों में भी,
और वही चीज हमारा उसमें हो रहा है, स्पीड में हो रहा है। जब गाड़ी स्पीड में चल रही है तो टायर हल्के बहुत इधर उधर हो रहे हैं। तो भाई यही वाली चीज थी। तो अब वो मैंने 185 की वो सही कराई, भैया ने भाई 200 रुपए लिए, आधा घंटे का समय लिया गाड़ी, लेकिन भाई ना बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ी ना कुछ, और गाड़ी भाई अपने आप सीधी चलने लगी। क्योंकि भाई अब कभी कभी हमारे पास ये होता है कि मैकेनिक हमसे ना हमें पागल बनाने की कोशिश करता है। तो भाई सब्सक्राइब करना कैरिंग सिद्धांत को, इसी टाइप की यूनिक चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कवर अप नहीं कर पाती वो मैं आपको दिखाऊंगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है। और कैरिंग सिद्धांत को प्यार करते रहो, इस तरीके से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है भाई आप लोगों के, उससे अच्छा प्यार मिल रहा है, ऐसे ही आगे भी देते रहें। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स।